स्टार्ट करते हैं जी के लेसन में बेटा। एसेट्स क्या होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एसेट्स बोलते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? इकोनॉमिक होता है माशी रिसोर्स, जो बार माशियत को जो बार बार जनरेट करते हैं, यानी जो पैसे को बार बार जनरेट करते हैं। जैसे किसी कंपनी के अंदर एक मशीन लगी होती है, वो बार बार कुछ चीज बनाती है, हम उसको बेचते हैं, पैसे जनरेट होते हैं। तो ऐसी चीजें जो क्या होती हैं, जो हमारे लिए यानी माशियत जनरेट करती हैं, पैसा जनरेट करती हैं, उनको हम एसेट्स बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, लाइबिलिटीज, मैंने आपको एक लाइन की डेफिनेशन बताई है, डेट्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड लाइबिलिटीज। बहुत लंबी एक लिस्ट है, बहुत लंबी एक लिस्ट है जो मैंने आपको दी हुई है कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है। कैश, बैंक, डेट, अकाउंट रिसीवेबल, पे रिसीवेबल, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर, और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स और लैंड, ये बहुत सारे पेटेंट्स, कॉपीराइट, मैंने बहुत सारे आपको एसेट्स बताए। ठीक है, लाइबिलिटीज भी मैंने बहुत सारी बताई। तो ये आपने लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 2, 3, 4 में जो मैंने आपको एसेट्स लाइबिलिटीज बताई थी, प्लीज उनको रिव्यू कर लीजिएगा। जब एसेट बढ़ता है बच्चों, वो डेबिट हो जाता है, जब कम होता है वो क्रेडिट हो जाता है। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है, जब कम होती है तो डेबिट हो जाता है। ठीक है जी, दो तरह के एसेट्स होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टेंजिबल एसेट्स होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। जो आपके टेंजिबल एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, जिनको आप, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको आप छू सकते हैं। फिजिकल ठीक है, और जी, इनटेंजिबल जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप छू नहीं सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट्स और कॉपीराइट। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो किसी एक जगह आके फिक्स हो जाते हैं, परमानेंट नेचर के होते हैं, वो तब्दील नहीं हो सकते, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। अब कोई कहे कि जी मेरी लैंड है, मैं यहाँ से लैंड उठा के कराची ले जाऊंगा, तो ऐसे मुमकिन नहीं है बेटा। ये एक लैंड क्या है, फिक्स एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट्स, ऐसे एसेट जिनकी लाइफ 12 मंथ से ज्यादा, यानी 1 साल से ज्यादा होती है, उन्हें लॉन्ग टर्म एसेट्स, और जिनकी लाइफ 12 माह से कम होती है उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। जिनकी लाइफ बेटा कम होती है उनको करंट एसेट्स। लाइबिलिटीज बेटा एक होता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है जी, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, जो ओनर पैसे देता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिटल बोलते हैं। जो ऑनर पैसे देता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कल हमने देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल में से ग्रॉस सीजीएस को, कॉस्ट को माइनस करते हैं तो ग्रॉस आता है। ग्रॉस में से हम अदर एक्सपेंसेस, यानी अद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट प्रॉफिट या लॉस निकल आता है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो हमने आफ्टर 12 मंथ्स पे कर दी होती है, जो 12 माह के बाद या 1 साल के बाद हमने देनी होती है। 12 माह और 1 साल एक ही चीज, जो 1 साल के अंदर अंदर हमने पे करनी होती है, वो बच्चों हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज होती है। वो क्या होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट कंप्राइज करती है 3 चीजों पे, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। बैलेंस शीट में कौन सी 3 चीजें होती हैं जी, एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं और कैपिटल होता है। 3 चीजें होती हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, 3 चीजें होती हैं बैलेंस शीट के अंदर। ठीक हो गया, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल होते हैं। ये बताती क्या है, ये बताती है जी, ये पोजिशन बताती है, पोजिशन की बजाय फाइनेंशियल पोजिशन लगाओ। ये क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है पर्टिकुलर डेट की, पर्टिकुलर डेट की, पर्टिकुलर टाइम की। डेट और टाइम एक ही चीज को बोलते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन बताती है पर्टिकुलर टाइम की, पर्टिकुलर टाइम टाइम क्या बताती है बच्चों, ये बताती है पर्टिकुलर टाइम की पोजीशन हमें बताती है, पर्टिकुलर टाइम की हमें बच्चों क्या बताती है, पोजीशन बताती है। अच्छा जी, ये जो हमें सारा कुछ दिया गया है, इसके बारे में क्या हमें कहीं डेटा वेटा भी दिया गया या नहीं? हाँ, ये बिल्कुल डेटा दिया गया। देखो बच्चों, मैंने कल आप लोगों को बताया था, अब वो कह रहा है जी इसकी इसका प्रॉफिट एंड लॉस बताएं। मुझे एक चीज बताएं, जब तक आप ना इसको याद कर, ये करने से पहले आपको मैंने एक फॉर्मेट शायद कल बताया भी था, वो फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। और कल काइंडली जो भी स्टूडेंट्स हम मेरे साथ होंगे, कल आप लोगों ने ना ये फॉर्मेट याद करना है। ट्रेडिंग क्या, कौन सा अकाउंट है बच्चों, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आता है, और डेबिट साइड पे ये सारी चीजें आती हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज इनवर्ट, कार्टेज, डॉक चार्जेस, वेजेस, इंपोर्ट ड्यूटी, फ्रेट, क्लियरिंग चार्जेस, स्टोर कंज्यूम, मोटिव पावर, रॉयल्टी और मैन्युफैक्चरिंग। ये डेबिट और क्रेडिट में आ रही हैं। ये बेटा बिल्कुल डेबिट और क्रेडिट में आती है, ये बेटा इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। ट्रेडिंग की बेटा ये सारी चीजें डेबिट साइड पे आती है, प्लीज इनको याद करना ना बेटा, इनको प्लीज याद करना। ये रट्टा लगाने वाली चीजें, अल्लाह की कसम
ये सारी रट्टा लगाने वाली चीज है। ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे ये आता है, रट्टा लगाना है, रट्टा लगाना है, मैं नहीं समझा सकता आपको, ठीक है? या आप लोगों ने बेटा इसको याद करना है। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे ये चीजें आती है, ये सारी चीजें नहीं है लेकिन 99% ये चीज है। सैलरीज, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, रेंट, इंटरेस्ट अलाउड, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, उसके अलावा डिस्काउंट अलाउड, कमीशन, इंश्योरेंस, बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, रिपेयर, बैड डेट्स, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टैक्सेस, और इसकी क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, मिसलिनियस रिसीव, और ये चीजें आती हैं इसकी क्रेडिट साइड पे। बैलेंस शीट बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, कैश, बैंक अकाउंट रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर और पेटेंट, गुडविल और कॉपीराइट, सारा इसकी एसेट साइड पे आता है। और बेटा ये कुछ चीजें हैं जो इसकी लाइबिलिटी में आती है। ये मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ और क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि ये करना करना करना, मुझे एक चीज आप बताएं, कैश कहाँ आता है? ट्रेडिंग में आता है या प्रॉफिट एंड लॉस में आता है? कोई एक बंदा बता दो। कैश बैलेंस शीट। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। बच्चों कोई और बताए, इनके पास नेट का मसला है, इन्होंने वैसे कहा ठीक है। कैश कहाँ आता है, ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में? बैलेंस शीट में ऐसे। बिल्कुल आपने सही कहा है। ये पता है आपको क्यों पता है? क्योंकि आपने इसको याद किया है। इसको बेटे आपने क्या किया है? याद किया। तो इसी तरह बेटा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जब तक आप याद नहीं करोगे कहाँ आएगी तब तक आपको नहीं पता लगेगी। इंश्योरेंस कहाँ आती है बच्चों? इंश्योरेंस इधर आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। अच्छा बेटा वेजेस कहाँ आती है? ट्रेडिंग में। खुदा के लिए आप लोग इसकी डेबिट क्रेडिट साइड याद करो, क्या चीज ट्रेडिंग में आती है क्या, इसका एक चार्ट बना के जहाँ सोते हो उसके सामने लगा लो। जब तक आप ये नहीं करोगे, मेरे से आप बेट लगा लो आप नेक्स्ट 6 to 7 लेक्चर्स नहीं कर सकते। ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया ना, ये देखो बच्चों, आप सेल्स कहाँ आती है, आपने मुझे इसके आगे लिखना है टी फॉर ट्रेडिंग। परचेजेस कहाँ आती है, आपने कहना है जी ट्रेडिंग में। परचेजेस रिटर्न कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग। कैसे पता चलेगा बेटा? सभी तो कह रहा हूँ ना, ये याद करोगे तो तभी पता। मुझे तो याद है ना, मुझे तो याद है ये बेटा आपके लिए। अब समझेंगे तो पता चलेगा ना। ये बेटा सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटा मेरे पास टाइम है ना कि मैं आप लोगों को बिठा के याद करवाऊं। मेरी तो अब जो नेक्स्ट क्लास है वो रेडी है, मुझे तो अब नेक्स्ट क्लास लेनी। समझने से नहीं आएगी बेटा, ये याद करने से आएगी, याद करने से आएगी, ठीक है? अब इसका ज्यादा हुआ तो मीनिंग देखना, हुआ तो डिक्शनरी से देख लेना, अगर मसला आया तो ग्रुप में उसका पोस्ट करना, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। वैसे बता दूं ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये बेटा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये बेटा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये बेटा सारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सारे क्या है, इनडायरेक्ट। बेटा जब तक ये याद नहीं होंगे, ये देखो ना, अब आप पर सैलरीज कहाँ जाती है, मुझे याद है अल्लाह की कसम, प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर बैलेंस शीट, क्रेडिटर बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट। ये मैं क्यों किया जा रहा हूँ इतनी जल्दी, मुझे बच्चों याद है। आप बेशक 2 दिन लगा लो, कल क्लास ना लो, ट्रेडिंग याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस याद करो, बैलेंस शीट याद करो, रट्टा लगा दो। अगर पेपर में 80+ मार्क्स ना आए तो मुझे पकड़ लेना। सिर्फ ये 3 फॉर्मेट याद कर लो, सिर्फ 3 फॉर्मेट जो मैंने भेजे हैं। सर ये ग्रुप में लाजमी शेयर करिएगा। मैं अभी बेटा दोबारा कर देता हूँ, ठीक है? सर ये शेयर कर, मैं अभी कर।